reason or genetic reason, it means the disease is transferred from the parents toward the offspring. और अगर आप genetics पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, I have no idea, तो आपको ये पता ही होगा कि वो सारी की सारी mutations जो heritable हैं, जो parents से offspring में जाती हैं, इनको कहा जाता है germ line mutations. Generally हम कहते हैं mutation is any change in the DNA जो RNA में जाती है, फिर protein effect होते हैं. तो याद रखें कि most of the changes that we see from parents transferring into the offspring, they are all germline mutation. It means these mutation occur in the sex cells during their formation. It means it occurs during gametogenesis, जब eggs बनते हैं, जब sperm बनते हैं, only then this. इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमारे पास एक और तरह की mutation भी होती होंगी, and these mutations are called as somatic mutations. सोमैटिक म्यूटेशन कैसी होती होंगी, जो हमारे बॉडी के बाकी सारे सेल में होती हैं, जो हमारे सोमैटिक सेल हैं, जनरल बॉडी सेल. क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि ऑल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सोमैटिक सेल दैट मेक योर बॉडी एंड जर्म सेल दैट मेक एग्स एंड स्पर्म. और अगर आप गौर करें तो जितने मेल और फीमेल सब यहाँ मौजूद हैं, उन सबका जनरल बॉडी पैटर्न एक जैसा है. They only differ from one another in reproductive tract. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से फीचर दोनों तरफ एक जैसे, it is only the gender that is differentiating male from one another. तो याद रखें कि वो सारे करेक्टर जो हम में हैं और हम में ही रह जाएंगे, they are changes in our somatic cell. और वो सारी चीज़ें जो हमारे germ cell में हैं, वो हमें इफेक्ट नहीं करेंगी, they will affect our next generation. तो बताना क्या चाह रहा हूँ कि चेंज कैन अकर इन एनी सेल ऑफ आवर बॉडी, बट सोमैटिक सेल चेंजेस विल इफेक्ट अस, विल नॉट बी ट्रांसफर टू आवर किड्स, बट जर्म सेल चेंजेस विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो जब मैंने लिखा कि इटियोलॉजी मेन कॉज ऑफ द डिजीज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जेनेटिक प्रॉब्लम्स, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं, ये हारमोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं. आपने ग्रोथ हारमोन का नाम सुना होगा, फिजियोलॉजी में पढ़ा भी होगा. अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा, ग्रोथ हार्मोन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, ग्रोथ हार्मोन के एक्शन में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ग्रोथ मुतासिर होगी. ग्रोथ मुतासिर हुई तो इसका मतलब है शॉर्ट स्टेचर बन गया, स्केलेटल अबनॉर्मेलिटीज आ गई. सो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से, हारमोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, और सबसे जो एक